सनराइज हो रहा है, आपको दिखाता हूँ एनी मोमेंट। अभी ये कैमरा को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ टाइम लैप्स पे, जब तक मैं जाता हूँ ब्रश वश कर लेता हूँ और तैयार हो जाता हूँ, आप सनराइज देखो। सो मेरा मॉर्निंग टी इधर रेडी है और ये इससे बनाया हुआ है, ये वाले झाड़ से। चलो बाइक स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट नहीं होगा मोस्टली, किक में तो नहीं होगा। किक स्टार्ट नहीं हुआ, सेल्फ स्टार्ट करना पड़ा। किक स्टार्ट हो जाता था थोड़ा और ट्राई करता था तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठंड बहुत है यहाँ पे, इतना आराम से चालू नहीं होगा। सो यहाँ पे बैल्कनी भी है, यहाँ से व्यू है अच्छा, लेकिन यहाँ पे इतना पीस है ना, इतना शांति है, पीसफुल है, इसके लिए मैं ज़्यादा चिल्ला भी नहीं रहा हूँ, वरना यूजुअली मेरा आवाज़ बहुत ऊपर रहता है। एक्चुअली इधर इतना पीसफुल है ना, तो चिल्लाने का मन भी नहीं करता है बात करने के टाइम, मन करता है ऐसा आराम से ही बात करूँ, ज़्यादा कुछ शोर वोर कुछ नहीं। कल रात को नींद भी इतना अच्छा है, कुछ गाड़ी का आवाज़ नहीं, कुछ नहीं एकदम, और सुबह उठा तो चिड़िया का आवाज़ आने लग गया, अभी भी आ रहा है। अभी नेक्स्ट 15 सेकंड मैं ऐसे ही रखता हूँ तो आपको चिड़िया का आवाज़ सुनाई देगा। ये तो भी ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज़ का आवाज़ बहुत पसंद है, वो है ट्रेन्स। यहाँ शायद आसपास कहीं पे शायद स्टेशन या ट्रेन कुछ तो है, मेरे को ट्रेन का आवाज़ सुनाई देता है हमेशा। यूजुअली मैं जब ट्रेन में जाता हूँ गांव में, और मैं हमेशा जो जो रोड्स देखता हूँ, देखा ट्रेन का आवाज़ सुना आपने, शायद नज़दीक में कुछ रेलवे स्टेशन है, पता नहीं। ओके सो मैं निकल गया हूँ, सबसे पहले जाना है देवबाग बीच, सो सबसे पहले उधर ही जाऊँगा, थोड़ा साउथ के साइड में, फिर बीच में आऊँगा मालवन तक, और उसके बाद मोस्टली मैं लंच देवगढ़ में ही करूँगा, और मेरा होटल इधर से आगे ही है थोड़ा आगे। और ये रोड एक्चुअली दिन में जितना अच्छा दिख रहा है ना, वो एक्चुअली रात को उतना ही डरावना दिखता है, देखेगा तो। कैमरा भी लगाता हूँ हेलमेट पे और निकलते हैं। जैकेट कल वाला ही पहना है क्योंकि वैसे भी ये गंदा हो गया और आज भी गंदा होने ही वाला है, तो वेस्ट करके मतलब नहीं है, उससे अच्छा यही पहन लिया। ठीक है, सब रेडी है मेरा, निकलते चलो निकलते। ओके सो जब मैं अलीबाग के बीच पे गया था, मैंने बोला था इससे ब्यूटीफुल बीच मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर मैं दहनू बीच पे गया और दहनू बीच मुझे अलीबाग के बीच से भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो एक्चुअली अच्छा था। लेकिन अभी मैं जो बीच आपको दिखाने वाला हूँ, दहनू का बीच तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, और वो बीच है देवबाग बीच जो है मालवन में, जहाँ पे मैं अभी आया।
पे आने वाला रास्ता भी मस्त था एक्चुअली, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया कि दो रीज़न है, एक तो मेरा बैटरी बहुत लो था और दूसरा ये सन एकदम सामने था ना, तो इसके लिए अभी रिकॉर्ड करेगा तो कुछ ज़्यादा दिखने नहीं वाला था, इसके लिए मैं सोचा जाते टाइम रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर आप मालवा ना हो तो देवघर देवबाग बीच ज़रूर आना। एक उस तो संगम बोलते इस जगह को, और संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ का पानी, ये रिवर का पानी है, ये रिवर का पानी यहाँ पे आता है और समुंदर में मिलता है। आप यहाँ पे आओगे ना देवबाग बीच में, तो आपको एक साइड में समुंदर मिलेगा और दूसरे साइड में ये मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, रिवर मिलेगा, और बीच में एक रास्ता है आइलैंड जैसा, उसके ऊपर आपको बाइक चला के आना है, बाइक या गाड़ी जो भी है आपका, गाड़ी भी आती है, गाड़ी का पार्किंग भी है। एक और चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पानी बहुत ब्लू है। मुंबई का पानी आप अगर देखोगे तो पूरा हरा कलर का है, कचरे से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ का पानी देखो कितना ब्लू पानी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या मस्त फोटो शूट कर सकते हैं यार, ये मस्त जगह है, कोई ऐसा मॉडल वॉडल मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ से आइलैंड चालू होता है, ये साइड में आपको रिवर मिलेगा और ये साइड में समुंदर मिलेगा। यहाँ पे किधर तो एक सुनामी आइलैंड करके कुछ तो है, सो मतलब एग्जैक्टली किधर है वो मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको स्कूबा डाइविंग वो सब करवाते हैं। स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, वो पैरा सेलिंग करना था, और पैरा सेलिंग होता भी किधर है वो भी नहीं मालूम। एनीवेज जो भी है, अभी आराम करता हूँ, थोड़ी देर इधर बैठ जाता हूँ, व्यू इंजॉय करता हूँ, घर पे भी फ़ोन करता हूँ। सब ब्यूटीफुल वाइट सैंड है, ये येलो सैंड भी नहीं है, एक्चुअली वाइट सैंड है। इसका एक थोड़ा सैंपल मैं ज़रूर लेके जाऊँगा, क्योंकि यूजुअली मैं जिधर भी जाता हूँ ना, वहाँ पे वहाँ का कुछ ना कुछ एक स्टोन या एक मिट्टी या पानी ऐसा मैं कलेक्ट करके रखता हूँ, एज अ मेमोरी रखता हूँ। यहाँ से थोड़ा मैं सैंड ले लूँगा, क्योंकि जब मैं वाइट इधर गया था ना, अपना राजस्थान गया था ना जैसलमेर, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा सैंड लेके आया था घर पे, और उसको मैंने एक बॉटल के अंदर डाल के रखा है। मैं नेपाल गया था तो वहाँ से मैंने एक स्टोन उठाया था तोरंगला पास से, वहाँ से एक स्टोन उठा के लाया था एज अ मेमोरी। सो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक सैंड लेके जाऊँगा और उसको एक बॉटल में डाल के रखूँगा एज अ मेमोरी के लिए। आपको वो सब दिखा दूँगा बाद में कभी। अच्छा हुआ मैंने मेरा DSLR लाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा वीडियोस मिल सकता है मेरे को। वीडियोस तो मेन तो मैंने फोटोज़ के लिए लाया था, बट वीडियोस भी ट्राई करता हूँ। मैं अभी खुद का फोटोज़ निकालने ट्राई कर रहा हूँ, लोके बैकग्राउंड में ये रखने वाला हूँ, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे है, तो सनलाइट की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट मेरे फेस पे लाइट गिरेगा, सो बैकग्राउंड भी अच्छा है, प्लस जो मेरा शर्ट जो है बैकग्राउंड के साथ मैच भी करेगा, एक अच्छा वाला फोटोज़ मिल जाएगा यहाँ पे। सो फिलहाल तो मैं कैमरा को ट्राईपॉड पे रखने वाला हूँ, और मेरा कैमरा जो है वो नॉर्मल जो DSLR है वही है, सिर्फ इसमें किट लेंस है, किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल वाला, और देखते कैसा आता है। मैं पहले रखूँगा सेल्फ टाइमर पे, और इसको कुछ 10 सेकेंड का टाइमर है, तो 10 सेकेंड का टाइमर लगा के मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा, तो उससे मेरे को एक अच्छा वाला फ़ोटो मिल जाएगा, सेल्फ पोर्ट्रेट वाला। रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ। सो मेरा कैमरा यहाँ पे, मेरा कैमरा यहाँ पे, और मैंने टाइमर लगा दिया है। पीछे जो आदमी चल रहा है वो भी कैमरा में आया रहेगा आई एम श्योर, तो उसको मैं एडिट में निकाल दूंगा। अभी एक और शॉट, अभी भी आया लेकिन उतना अच्छा नहीं आया। फुली अभी अच्छा आया, परफेक्ट जैसा चाहिए था वैसे ही मिला। ये कैमरा और जो GoPro है वो दोनों को चार्जिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को और भी वीडियोस निकालना पड़ेगा, तब तक थोड़ा इससे फोटोज निकाल लेता हूँ। चलो फिर इसको चार्जिंग पे रखता हूँ। ओके, आराम किया, फोटोज भी निकाला, वीडियोस भी निकाला, अभी जाने की बारी है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा जगह विजिट करना है। ओके, चलो चलते हैं।
सो पैरासेलिंग कर लिया फाइनली। मैं देवबाग में ही करने वाला था लेकिन उधर रेट कुछ ज़्यादा ही हाई था, 1200 पैरासेलिंग का था। और पैरासेलिंग जहाँ से होता है सुनामी आइलैंड करके कुछ तो एक है वहाँ पे, सो वहाँ से वहाँ जाने का भी एक 500 अलग से देना पड़ेगा, मतलब टोटल 1800 रुपया। वही सेम चीज़ यहाँ पे 500 में था, सिर्फ 500 में, कुछ बोट का चार्जेस नहीं कुछ नहीं, सिर्फ 500 में था, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। मेरे को पैरासेलिंग करना था एक्चुअली, इसके लिए मैं मेन देवबाग गया था। मेरे को लगा उधर रेट्स कम रहेगा क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, कोई कोई बोल रहा था रेट्स कम है। यहाँ पे ये चीज़ भी है और ये जेट स्की और ये बनाना बोट कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, वो भी है यहाँ पे, जेट स्की भी है। तो और यहाँ पे एक्चुअली देखेगा तो सस्ता है, अभी दिसंबर है फिर भी यहाँ पे सस्ता है, तो मैं आपको यहाँ आना रिकमेंड करूँगा ये सब के लिए। अगर आप वहाँ पे मत जाना देवबाग में, देवबाग में आप सिर्फ घूमने चले जाओ वो अच्छा है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो वहाँ ही कर लेना, लेकिन अगर आपके पास कम पैसा है तो मैं आपको यहाँ पे आके आना रेकमेंड करूँगा। मेरे को तो मज़ा आया, जो करना था कर लिया। अभी शाम हो गई है ऑलमोस्ट, मेरे को जाना था देवगढ़ लेकिन आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि देवगढ़ में भी कुछ एक नया चालू किया है, वो मुझे ट्राई करना था। मेरे दोस्त निखिल का गाँव है ना देवगढ़, उसने मेरे को वीडियो भेजा था, लेकिन अभी कितना बज रहा है, अभी 6:20 है, तो अगर मैं अभी निकलूँगा ना तो मेरे को एटलीस्ट 2 घंटा तो लगेगा ही देवगढ़ पहुँचने के लिए, और वापस भी आना है तो रात हो जाएगा। अभी कल सुबह मेरे को दापोली जाना है और दापोली इधर से कुछ कितना घंटा दूर था, कुछ 4-5 घंटा दूर है आई थिंक, नहीं 5-6 घंटा दूर कुछ है। आराम से जाऊँगा कल, कुछ घाई नहीं रहेगा। खाने पीने का तो अभी तक कुछ खर्चा हुआ नहीं ज़्यादा, अच्छा खासा सस्ते में ही हो गया खाना। अभी सिर्फ अभी जो मैंने खाया वो महंगा था, प्रॉन्स खाया था, प्रॉन्स थाली कुछ तो खाया था, वो बहुत अच्छा था। ये बाय द वे ये सिंधुदुर्ग फोर्ट है, यहाँ पे ये सिंधुदुर्ग फोर्ट है, इसमें मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं जब अपने दोस्त के साथ आया था लास्ट ईयर कुछ आया था दिसंबर, हाँ लास्ट ईयर यही टाइम पे आया था एक्चुअली, मैं दिसंबर में ही आया था, तो ऑलरेडी मैं वो टाइम पे वो देख लिया मैंने, तो अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। वो कुछ 90 acres का है और मैंने ऑलरेडी वो देख लिया है, तो उसका वीडियो भी है इधर ऊपर आ रहा होगा वीडियो, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे आई कार्ड में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख लेना। वो थोड़ा सिनेमैटिक है, उसमें कुछ आपको ज़्यादा मिलने नहीं वाला है, थोड़ा बहुत सिनेमैटिक ही निकला है और कुछ ज़्यादा है नहीं एक्स्ट्रा। अरे बॉस वो मैं अभी पैरासेलिंग करके आया, वो उसका नाम क्या था, वो दाढ़ी वाला जो मेरे को उधर से लेके आया, तुम लोग कंपनी का नाम है क्या? हाँ मरीन ड्राइव। अच्छा ओके, सो इन लोगों के पास से मैंने करवाया पैरासेलिंग, 500 rupees है। अगर आपको भी करवाना है तो इन लोगों के पास आ जाना। इन लोगों का ये आप लोग का इधर ही रहता है, तो इन लोगों का यहाँ पे ही रहता है गाड़ी, और ये मालवन बीच वो जेटी है वहाँ पे, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। 500 rupees है, इन लोगों को कॉन्टेक्ट कर लेना ठीक है। वाटर स्पोर्ट क्या क्या है बता, चार्जेस भी बता दें तो बोलो क्या क्या है आपके पास। वाटर स्पोर्ट, स्लीपिंग मंबर, सिटिंग मंबर, बनाना राइड, जस्की राइड, 500 बताए सब 500। हाँ सबका रेट रहा है। हाँ ठीक है थैंक्स। तो ये रेट्स है, मैंने पैरा सेलिंग किया मैंने, 500 rupees हो गया, तो इन लोगों के पास आ जाना ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ वो साइड में, थोड़ा फोटोज निकाल लेता हूँ,